नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नरेश गौड़। अच्छा मित्रों, मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक विषय पर चर्चा करने के लिए। सेकंड ग्रेड इंग्लिश में आपके एक टॉपिक होता है SVOCA या SPOCA। अच्छा मित्रों, आप जानते हैं परीक्षा हमेशा क्रिएटिव होती है, हमेशा नए नए प्रश्न आते हैं। अब तक तो वो ये पूछता है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, कभी कभी वो नए क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जहाँ तक मेरी बात है मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर नरेश गौड़ है। मैं अपने खुद के पर्सनल ऑफलाइन बैच चला रहा हूँ मंगल विहार में। यहाँ ने नया बैच शुरू किया है सुबह 8 बजे से फ्लिकी इंस्टीट्यूट में। सुबह 8 से 10 हमारी क्लास चलती है और लगभग वो मैंने अभी 7 मार्च को नया बैच शुरू ही किया है। आज मैं यहाँ यूट्यूब चैनल पे अपने आप को आपके सामने उपस्थित हूँ एक विषय पर चर्चा करने के लिए, SVOCA या SPOCA के बारे में। अच्छा मित्रों, आप देखिएगा SVOCA इसे SPOCA भी कहते हैं। देखिए क्या है, एस फोर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जो सेंटेंस का करता है, डूअर है। वी या पी वर्ब कहें या प्रेडिकेटर, जो प्रेडिकेट पार्ट को प्रेडिकेट करता है, प्रेडिकेटर है ना, तो इसको वर्ब भी कहते हैं, इसे प्रेडिकेटर भी कहते हैं। ओ का अर्थ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ओ का अर्थ क्या हो गया, ओ यहाँ रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। सी है कॉम्प्लीमेंट के लिए और ए है एडवर्बियल के लिए, तो SVOCA। अच्छा, हम यूजुअली ये देखते हैं कि हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। आज मैं उस विषय पर चर्चा करने नहीं आया हूँ। आज हम बात करें सेमेंटिक रोल के बारे में। ये तो सिंटैक्टिक फंक्शन हुआ कि ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, आज मैं बात कर रहा हूँ सेमेंटिक रोल, मीनिंग के हिसाब से इन सब की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम अगर देखेंगे तो पहला जो है सिमेंटिक रोल्स ऑफ सब्जेक्ट। हम आज जो चर्चा कर रहे हैं पहला किसकी कर रहे हैं, सब्जेक्ट के सिमेंटिक रोल्स क्या क्या होते हैं, यानी अर्थ के हिसाब से सब्जेक्ट कौन कौन से फंक्शन करता है। तो मित्रों, सब्जेक्ट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एजेंटिव सब्जेक्ट हो सकता है। अच्छा, ये एजेक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है, जब कार्य किसी एनिमेट के द्वारा, सजीव के द्वारा किया जाता है, जब कार्य करने वाला कौन हो, कोई सजीव एंटिटी हो, तो उस सब्जेक्ट को कहा जाएगा एजेंटिव सब्जेक्ट। जैसे आप सेंटेंस देखिएगा, जॉन ओपन्ड द डोर, जॉन ओपन द डोर। इसमें जॉन कौन है, जॉन है एक एनिमेट, जॉन कौन है, एक एनिमेट सब्जेक्ट है ना। जॉन एक एनिमेट सब्जेक्ट है। अच्छा, जॉन एक व्यक्ति है, इसलिए सब्जेक्ट कौन सा होगा, एजेंटिव सब्जेक्ट। एजेंटिव का अर्थ क्या है, किसी एनिमेट के द्वारा, एनिमेट के द्वारा कार्य, एक्शन होना, यानी किसी एनिमेट के द्वारा एक्शन होना, सजीव व्यक्ति हो चाहे एनिमल हो, उनके द्वारा अगर कार्य होता है तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा एनिमेट सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट एनिमेट है तो उसका फंक्शन होगा कौन सा, एजेंटिव सब्जेक्ट। अब एनिमेट में कौन कौन आ सकता है, आपको पता है, एनिमल भी आ सकता है, इंसान भी आ सकता है। तो एजेंटिव सब्जेक्ट कब होगा, जब किसी एनिमेट सब्जेक्ट के द्वारा कार्य होगा। एनिमेट सब्जेक्ट हुआ कोई व्यक्ति या कोई एनिमल भी हो सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सिमेंटिक रोल है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल का अर्थ है कि किसी निर्जीव के द्वारा कार्य किया जाए, जो सजीव नहीं है चीज, उसके द्वारा कार्य हो जाए तो वो क्या होगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या होना चाहिए, नॉन एनिमेट, नॉन एनिमेट करता, एक्शन तो करे लेकिन वो इंसान या कोई जानवर नहीं, कुछ और चीज हो। जैसे एवलांश डिस्ट्रॉयड सेवरल हाउसेस, जो एवलांश है, एवलांश कहते हैं जो हिमस्खलन होता है, द एवलांश डिस्ट्रॉयड सेवरल हाउसेस। यहाँ पे जो सब्जेक्ट पोजीशन पे है वो कौन है, एवलांश है, हिमस्खलन कोई व्यक्ति नहीं है, कोई एनिमल नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है, नेचुरल फोर्स है। इस सब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट, यानी किसी निर्जीव के द्वारा कार्य संपादित होना, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकता है। अच्छा, सब्जेक्ट दूसरा क्या हो सकता है, लोकेटिव भी हो सकता है। लोकेटिव का अर्थ है किसी स्थान को अगर सब्जेक्ट की पोजीशन पे दें, जैसे शिकागो इज हॉट, तो शिकागो सब्जेक्ट है ना, वो स्थान है, तो उसको कहेंगे लोकेटिव सब्जेक्ट। जैसे मैं कहता हूँ दिस पाथ इज स्वॉर्मिंग विथ वॉन्ट्स, दिस पाथ इज स्वॉर्मिंग विथ आंट्स,
ये जो पाथ है ये प्लेस को दर्शाता है ना। अगर सब्जेक्ट पोजीशन पे कोई प्लेस है, क्या है? प्लेस है, तो प्लेस है तो वो क्या कहलाएगा? लोकेटिव सब्जेक्ट कहलाएगा। वो कहलाएगा लोकेटिव सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट पोजीशन पे क्या है, कोई प्लेस है। तो दिस पाथ है, जैसे यहाँ होता शिकागो, मुंबई इज वेरी हॉट, तो मुंबई होता तो भी वो लोकेटिव होता। वैसे आप देखिएगा सब्जेक्ट क्या हो सकता है, टेम्पोरल सब्जेक्ट भी हो सकता है। टेम्पोरल का अर्थ है अगर सब्जेक्ट पोजीशन पे क्या हो, कोई टाइम हो, अगर कोई टाइम जो है फ्रेज वो सब्जेक्ट की फॉर्म पे है। जैसे टुमारो इज माई बर्थडे, यहाँ पे सब्जेक्ट पोजीशन पे क्या है, टुमारो, ये समय दर्शाता है ना। अगर समय सब्जेक्ट की पोजीशन पे है तो उसे कौन सा सब्जेक्ट कहेंगे, उसे कहेंगे टेम्पोरल सब्जेक्ट। तो चार प्रकार के सब्जेक्ट के रोल हो सकते हैं, देखिएगा कौन कौन सा। पहला मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एजेंटिव। एजेंटिव कब होगा, जब जो करता है वो कोई सजीव सब्जेक्ट हो, यानी कोई इंसान हो या जानवर हो। एनिमेट के द्वारा एक्शन होना, एनिमेट सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन होता है तो उसे क्या कहेंगे, एजेंटिव सब्जेक्ट। जैसे जॉन एक व्यक्ति है तो ये एजेंटिव है। इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट कौन सा होता है, जब नॉन एनिमेट द्वारा कार्य किया जाता है, जैसे एवलांश डिस्ट्रॉयड सेवरल हाउसेस, यहाँ एवलांश का अर्थ है जो हिमस्खलन है, यानी कोई व्यक्ति या एनिमल नहीं, कोई नेचुरल फोर्स है, तो इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट पोजीशन पे कोई स्थान है तो वो लोकेटिव सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट पोजीशन पे अगर कोई टाइम है तो इसे क्या कहेंगे, टेम्पोरल सब्जेक्ट। यानी मेजरली चार फंक्शन सिमेंटिक रोल हो सकते हैं सब्जेक्ट के, एजेंटिव, इंस्ट्रूमेंटल, लोकेटिव और टेम्पोरल। ऑब्जेक्ट की बात करें मित्रों, अगर एक लास्ट जो है एम्प्टी इट, एम्प्टी इट का अर्थ है कई बार सब्जेक्ट पोजीशन पे क्या हो सकता है, ये मीनिंगलेस इट हो सकता है, इसका कोई सिमेंटिक मीनिंग नहीं है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इसमें इट का कोई रोल नहीं है। इट इज स्नोइंग, बर्फ गिर रही है, इसमें इट का कोई मीनिंग नहीं है। इसे कहते हैं एम्प्टी इट। एम्प्टी इट यानी सब्जेक्ट पोजीशन पे एक ऐसा वर्ड जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो सब्जेक्ट पे और क्या हो सकता है, एम्प्टी इट भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। अगला अगर मैं बात करूं, आप इसी में देखिएगा सिमेंटिक रोल ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन होता है मीनिंग में, सिमेंटिक रोल। सिमेंटिक का अर्थ होता है कि मीनिंग के हिसाब से क्या भूमिका है ऑब्जेक्ट की। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जो है भूमिका है वो क्या है, अफेक्टेड। ये क्या होता है, ये क्रिया से प्रभावित होता है। ये क्रिया करता नहीं, सब्जेक्ट तो क्रिया करता है, ये क्रिया से क्या होता है, ये क्रिया से प्रभावित होता है। जैसे आप देखिएगा मैनी एमपीज क्रिटिसाइज द प्राइम मिनिस्टर, इसकी क्रिया कौन सी है, क्रिटिसाइज। ये करने वाले तो कौन है, एमपीज है ना, एजेंटिव सब्जेक्ट है। इसे अफेक्ट कौन हो रहा है, इट क्रिटिसिज्म से, प्रभाव किस पे पड़ रहा है इस क्रिटिसिज्म का, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये अफेक्टेड है। इससे प्रभावित कौन हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसे कहेंगे अफेक्टेड। यानी जो भी क्रिया है उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे, इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सिमेंटिक या मीनिंग के हिसाब से रोल होता है अफेक्टेड का। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है मित्रों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, वो रिसिपिएंट होता है। रिसिपिएंट यानी वो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको रिसीव करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको मिलता है। जैसे आप देखिएगा आई हैव फाउंड यू अ प्लेस, यहाँ पे ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप ही देखिएगा ये यू जो है ना वो इसको रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है, इसको मिल रहा है, ये प्राप्त करता है ये। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है ना। तो आई हैव फाउंड यू अ प्लेस, यहां पे यू प्लेस किसको मिल रहा है, यू को, इसलिए कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फंक्शन होता है रिसिपिएंट का। अब इसी तरह से देखिए कॉम्प्लीमेंट का क्या फंक्शन होता है। कॉम्प्लीमेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो है रिजल्टिंग कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है करंट एट्रीब्यूट, रिजल्टिंग एट्रीब्यूट और करंट एट्रीब्यूट। रिजल्ट का क्या होता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है अगर वो किसी क्रिया का परिणाम है, किसी परिस्थिति का परिणाम है, जैसे ही बिकेम रेस्टलेस, ये देखिएगा ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। ही टर्न्ड ट्रेटर, अब ये जो वो बेचैन हो गया, अब वो बेचैन किसी कारणवश हुआ या पैदा हुआ तभी बेचैन था, किसी कारण से हुआ ना। अगर किसी कारण से किसी परिस्थिति से होता है तो उसे कहते हैं रिजल्टिंग एट्रीब्यूट। ये कौन सा एट्रीब्यूट है, रिजल्टिंग एट्रीब्यूट।
ही टर्न्ड अ ट्रेटर, वो एक विद्रोही बन गया. बन गया नहीं, जब पैदा हुआ था विद्रोही नहीं था, परिस्थितियों ने उसको विद्रोही बना दिया. किसी रिजल्ट का परिणाम है ना, ये रिजल्ट की वजह से कॉम्प्लीमेंट बना. इसी का दूसरा होता है करंट एट्रीब्यूट. मित्रों करंट एट्रीब्यूट में क्या होता है कि वो वर्तमान स्थिति विद्यमान होती है. जैसे शुगर इज स्वीट, अगर आप इसको देखें तो शुगर क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट. अब ये शुगर जो है स्वीट है, ये इसका एग्जिस्टिंग क्वालिटी है, इसमें ऑलरेडी होती है, या किसी परिस्थिति का परिणाम है. शुगर जो है वो हमेशा स्वीट ही होती है. ये इसका है करंट या एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट. एग्जिस्टिंग यानी जो उसमें विद्यमान है, किसी परिस्थिति या किसी वजह से नहीं हुआ, विद्यमान क्वालिटी है. तो मित्रों ये थे सिमेंटिक रोल किन के, सब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट के और कॉम्प्लीमेंट के. अब हम बात करें कि हमें जो चीज़ कन्फ्यूज करती है मेनली, आप ये देखिएगा, हमें पता करना है कि जो सेंटेंस में है वो कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है. कैसे पता करेंगे, जैसे आप सपोज़ कीजिए, वैसे बड़ा आसान है अगर आप वैसे वर्ब के हिसाब से भी देखें तो वर्ब से पता चल जाता है, लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जाते. ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट. अगर आप कहीं पर कभी कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि ये जो वर्ब के बाद वाला एलिमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट, तो आप उसमें एक तरीका है, आप सेंटेंस को पैसिव बना के देखिए. अगर पैसिव बन जाए, सब्जेक्ट पोजीशन पे आ जाए ये, तो वो ऑब्जेक्ट है, और अगर सब्जेक्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट है. शी बिकेम हैप्पी, आप हैप्पी को सब्जेक्ट बना सकते हो पैसिव में, नहीं बन सकता. शी नोज हिम, ही इज़ नोन टू हर, इसका पैसिव बन सकता है. तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर करना है तो पैसिव बना के देखो. ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट है तो पैसिव नहीं बनेगा. इसमें तो क्या होगा, नो पैसिव. अगर कॉम्प्लीमेंट है तो पैसिव नहीं बनेगा, और है तो पैसिव पॉसिबल है, बना सकते हैं. दूसरा जो हमें कंफ्यूज करेगी चीज एग्जाम में वो है, जैसे ये देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अब एस वी ओ ओ है, ये तो है एस वी ओ ओ, और ये है एस वी ओ सी. अब ये एस वी ओ ओ है या एस वी ओ सी, ये भी हमें कन्फ्यूज कर सकता है. फिर से आपके पास वही नियम है, अगर आप ये देखिएगा, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पैसिव में सब्जेक्ट बन सकता है. शी गेव हिम अ बुक, अ बुक वॉज गिवन टू हिम बाय हर, ही वॉज गिवन ए बुक बाय हर. दोनों से पैसिव बन सकता है ना, ये दोनों से पैसिव बन सकता है. तो ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, एस वी ओ ओ. अगर पैसिव केवल एक ऑब्जेक्ट से ही बन सकता है तो वो एस वी ओ सी होगा. वी इलेक्टेड हिम प्रेजिडेंट, ही वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट बाय अस, लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है. पर ये कर सकते हो, प्रेजिडेंट वॉज इलेक्टेड टू हिम, ये नहीं कर सकते आप. तो अगर एस वी ओ सी है तो उसके एक ही पैसिव बन सकता है, वो किससे, इससे. एस वी ओ है तो दो पैसिव बन सकते हैं, किससे, दोनों ऑब्जेक्ट से. और मित्रों ये बेसिक पार्ट है, इसके बाद से हम शुरू करते हैं एस वी ओ सी, जो ओ सी है, जो टॉपिक है उसको. आज मैंने केवल छोटी सी चर्चा करने के प्रयास किया. मुझे सुनने के लिए धन्यवाद.